और अगर ये डल गया ना तो फिर देखना। हेलो, तो आज हम जा रहे हैं सीपी हनुमान मंदिर, मैं और ये मेरे हस्बैंड, ये अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। इनको डर है मुंह दिखाने से। और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो हमें प्रसाद चढ़ाना था, मुझे चढ़ाना था, इसलिए हम जा रहे हैं सीपी। रास्ते में से अपने भाई बहन, भाई और भाभी को पिक करेंगे। भाई बहन को निकलता है हमेशा, भाई भाभी को पिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे आगे आगे। और बहुत बारिश है पर आज तो, और मौसम इतना मस्त हो गया ना कि नैनीताल मनाली सब फेल। ये देखो रीजन बताती हूँ कि हम मंदिर क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने ना कुछ प्रसाद बोला था कि मैं प्रसाद बांटूंगी, तो मैंने सोचा अगर वो पैसा मैं कैश मंदिर में चढ़ा दूंगी तो भगवान को तो मिलना नहीं है, इससे अच्छा उस पैसे का मैं किसी को खाना खिला देंगे ताकि किसी का पेट भर सके। और कोरोना चल रहा है, सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लोगों के पास काम ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास भी काम नहीं है इस टाइम, मैं भी खाली हूँ, तो चलते हैं। बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है बारिश में तो। लॉजिक समझ नहीं आया, ये रेड लाइट कितने कितने मीटर या किलोमीटर के बाद होती है, हाँ? ऐसा किसी को पता है क्या? इसका कुछ तो होता होगा कि इतने एक किलोमीटर बाद होती है, दो किलोमीटर बाद होती है, या कहीं पर भी रेड लाइट बना देते हैं। अगर ऐसा कुछ आप लोगों में से भी किसी को प्लीज़ अगर पता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर। तो आपको तो पता है, आप तो सिविल इंजीनियर हो, आपको तो ये बात पता होनी चाहिए कि कितना गैप के बाद दोबारा रेड लाइट लगती है। हाँ, हमें कैसे पता होगा, हम रोड डिजाइन करते हैं। तो रोड डिजाइन करते हो पर रेड लाइट भी तो लगाते हो। मैनेजमेंट पुलिस का काम है, वो डिसाइड करते हैं। चलो एक सिविल इंजीनियर को ये नहीं पता कि कितनी दूर बाद दूसरी रेड लाइट लगाने। अभी हम पहुंच गए सदर बाजार मेट्रो स्टेशन और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं भाई भाभी के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम आते हैं तो हम रुक गए। इसलिए अच्छा है ना, सब साथ में जाएंगे, थोड़ा और इंजॉय करते हुए जाएंगे। आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी उन लोगों से। तो स्टिल वी आर वेटिंग, पर बहुत बारिश है, बहुत बारिश। भाई भाभी आ गए पीछे, ये देखो, आए करो सब लोग। अरे अमित तो बोलता, भाई बोल ना। क्या बोले भैया? तो भाई भाभी आ गए हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। इनु जी थोड़ा परेशान है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और उनको ड्राइव करना। हमारा एक्सपीरियंस, हम लोग ब्रह्मगिरी गए थे, लोग गए थे नासिक घूमने। कैसे एडवेंचरस, कुछ भी नहीं था? ये कहाँ है? अच्छा, तो कैसा था वहाँ पे सब? जल्दी बोलो, सुबह पनवेल निकलना है। ये देखो भाई लोग दिल्ली नाला पानी पानी भरा हुआ है रोड पे, इतना ज्यादा पानी कि गाड़ी के आधे टायर डूब गए पानी में। और सिर्फ ये इतना ही नहीं है, और भी आगे भी है। इतना तो लोगों के घरों में भरा रहता है ये नदी नहीं है, ये नदी नहीं है, रोड पे पानी भरा है। नदी में गाड़ी नहीं चलती है, देखिए रोड पे पानी भरा है। ये सामने है आरएमएल हॉस्पिटल, इधर ही है ना? अच्छा, मतलब कोई रास्ता है, रोड है, रोड से रोड जुड़ी है। कितना अच्छा हो गया वेदर, हल्की हल्की बूंदा बांदी अभी भी हो रही है पर हल्की हल्की। और हम पहुंचने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे मंदिर।
हम लोग मंदिर पहुंच गए और यहाँ आके हमें पता चला है कि मंदिर बंद है, पर कोई बात नहीं, हम प्रसाद तो हमें बाहर ही बांटना था तो हम बाहर प्रसाद बांट देंगे। और हैं लोग तो हैं जिनको ज़रूरत है खाने की। बहुत भीड़ है, मंदिर बंद है उसके बाद भी बहुत भीड़ है। मंदिर बंद है, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। आए यहाँ पर और हमने यहाँ पे पूछा है कि पूड़ी सब्जी का क्या है, तो 20 रुपए में ये एक पूड़ी, यह बहुत बंदर है, एक दो पूड़ी 20 रुपए में, सब्जी और एक चाय दे रहे हैं। तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया, अब ऑर्डर रेडी हो जाएगा फिर हम लोग बांटेंगे। बहुत सारे बंदर, तो अब हम मंदिर से दर्शन करके, दर्शन तो नहीं किए पर बाहर से दर्शन कर लिए, निकल चुके हैं। हनुमान मंदिर सीपी, और हमने प्रसाद भी बांट दिया है। द्वार बंद थे, कारण बताओ? द्वार बंद थे कोरोना की वजह से, तो कोई भी प्लान कर रहा है तो यहाँ मत आना अभी तो फिलहाल, क्योंकि अंदर जाने की एंट्री नहीं है। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखकर ही आई थी मैं, और गलत वीडियो थी उसकी, 16 जुलाई की ही थी कि वो मंदिर में आई है, कोई लड़की थी। पर कोई बात नहीं, हम धोखे में आ गए थे। ओपन होगा, हम अपडेट दे देंगे, चैनल पे फॉलो करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। शॉर्टकट दिखाया गूगल ने, शॉर्टकट हाँ। नहीं नहीं बुरा नहीं, रोड अच्छा था, मतलब सीधे जो है सिटी का ट्रैफिक हटवा के सिंगल लेन हाईवे था, स्टेट हाईवे, उसमें अंदर से निकाल के दिखा रहा था। अब सिंगल लेन में तो ये दिक्कत है, ओवरटेक करने में दिक्कत आती है। ट्रक ने, ट्रक वाले ने साइड तो दे दी, स्पीड अच्छी खासी थी, 120 के लगभग चल रहे थे, साइड दी उसने, साइड देने के बाद जैसे ही उसके पास, मतलब ये ट्रक है, गाड़ी थोड़ी सी ऐसी, उसने इधर काट दिया ट्रक वापस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ब्रेक मारेंगे तो ट्रक में ठुकेंगे। इधर जो है पूरा कच्चा खेत वाला एरिया, मतलब इतना होगा, इतना ही एरिया होगा और फिर खेत उधर में नहीं, और वो पूरा उबड़ खाबड़। मैं कहा भाई जान दो सीधी गाड़ी पूरी खेत में, नहीं खेत में नहीं, उसी गड्ढों में से स्पीड और बढ़ा के ओवरटेक मारा उसको फटाफट से आ गया, नहीं तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर ये डल गया ना तो फिर देखना।